अस्सलाम आलेक। अस्सलाम आलेक। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक अल्लाह ताला तो सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे आमीन अच्छा जी जैनब आज ऑफ है जैनब का जैनब आज नहीं जा रही है क्योंकि जैनब की तबीयत थोड़ी सी डाउन है उनका आया हुआ है गला काफ़ी तो बस उनको जो है ना रात भी हम एमरजेंसी लेके गए थे जैनब को जैनब का जो है ना काफ़ी जो है ना उसकी हालत ख़राब थी बुखार भी था उसको और गला भी ख़राब था तो बस अभी जो है न दवाएँ उनकी जो है ना जा रही हैं तो बस जैसी तबीयत ठीक होगी तो स्कूल जाएंगे लीव ली है दो दिन की उनकी हमने और ये मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आशा की रिवीजन के लिए ये सारी दुआएं लगाई हुई हैं और तो रिवीजन के लिए दोबारा मैंने यहाँ लगा दी हैं तो इस तरह क्या होता है कि रिवीजन के लिए इनको दिन में जब जब यहाँ नज़र पड़ती है रूम में आती हैं इनको जो है ना रिवाइज़ कर लेती हैं और ये बहुत ईजी रहता है अगर मैं ये ना लगाऊं कहीं पे भी किसी वॉल पे या कहीं पे भी ना लगाऊं तो इनके दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है लेकिन ये है कि जब भी इनको याद आता है तो ये यहाँ रिवाइज कर लेती हैं और कुरान की क्लास लेने से पहले तो मस्ट इनको जो है ना रिवीजन जो है ना ये करना होता है तो बस इस तरह बच्चों के जो है ना दिमाग में भी रहती है ये चीज़ और भूलते नहीं है बच्चों के लिए आसान हो जाता है बुक्स रख ली हैं आप लोगों ने अपनी और यहाँ मैंने बॉल पे जो है ना ये लगा दी है दुआ कनूत ये भी जब नमाज़ पढ़ती हैं तो इस पे थोड़ी सी नज़र डाल के पढ़ लेती हैं अगर भूल जाएँ तो मैंने ये सामने लगा दी है और यहाँ इस रूम में यह है कि लिबास वगैरह चेंज करने के लिए जो है ये रूम है जैसे कि तो ये वाली जो है ना दुआ मैंने यहाँ लगा दी है यूनिफॉर्म पहनने से पहले ये वाला पढ़ती हैं कपड़े चेंज करने से पहले ये वाली दुआ पढ़ती हैं ताकि जो है ना ये मैंने अपनी अलमारी पे ही लगा दिया ताकि इसी रूम में अगर ये कपड़े चेंज कर रही हैं क्योंकि वाशरूम में कपड़े चेंज नहीं करने देती हूँ मैं इनसे क्योंकि गिर जाते हैं कपड़े नापाक हो जाते हैं मैंने ये चीज़ इनको बताई हुई है तो बस ये रूम में आके कपड़े कर चेंज करती हैं तो उससे पहले ये पढ़ लेती हैं तो सामने मैंने लगा दिए इसके लिए आसान कर दिया है इन लोगों के लिए ताकि आराम से ये लोग पढ़ सकें तो बच्चों के लिए यही है कि बच्चे जहाँ जहाँ खेलते हैं बच्चे जहाँ जहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं वहाँ वहाँ ये दुआएं लगी हों ताकि बच्चे एक घंटा निकाल के दस मिनट भी नहीं लगते रिवाइज़ करने में दस मिनट में ही बच्चा रिवाइज़ कर लेता है ताकि ये चीज़ उनकी रूटीन में और दिमाग में रहे और ये वॉश बेसन की जगह है ये जहाँ जो है ना ये लोग ब्रश करती हैं उठते ही मोध होती हैं उससे पहले जो है ना ये सोकर उठने वाली दुआ जो है ना पढ़ लेती हैं उसके बाद जब भी नमाज का वजू हम भी करते हैं या बच्चे भी करते हैं तो फ़ौरन ये दुआ जो है ना रिवाइज़ कर लेती हैं तो इस तरह जो है ना हम बड़ों के लिए भी बहुत आसानी है और जो है बच्चों के लिए भी बहुत आसानी है जहाँ जहाँ जो दुआ पढ़नी चाहिए वहाँ वहाँ मैं कहती हूँ प्रिंट करके आप अपने घर के हर हिस्से में लगा दें ताकि बच्चे भी रिवाइज़ करें और बड़े भी पढ़ते रहें आज लंच में मैं इनको दे रही हूँ जी ये चाइनीज़ राइस फ्राइड राइस ये मैंने बनाए थे अभी अभी थोड़े से मैंने कब ठंडे हो जाएँ फिर मैं इसको जो है ना लंच बॉक्स में डालती हूँ इनको अच्छा जी ये हो गए हैं रेडी है और इसमें है स्पून तो ये स्पून मैं इनको अलग से दूंगी बच्चे तो अब चले गए हैं कि थोड़ी देर के लिए बैठे थे ए सी ऑन किया था तो अब ए सी ऑफ करके चलते हैं अपने रूम में थोड़ी सी नींद कर लेते हैं दोपहर में उठेंगे और देखेंगे हमारे रूटीन में क्या है ये भी जो है ना हिल रहे हैं अभी मैं रूम के अंदर आई हूँ तो हिल रहे हैं ये भी जी मैं सो रही थी अदील साहब बच्चों को स्कूल छोड़ के चले गए हारा लेकर आए नाश्ता हलवा पूड़ी पराठे और यस रात ही मैंने बोला था कि दिल चाह रहा है हलवा पूड़ी खाने को और पराठे छोले तो बच्चे स्कूल और बच्चों के बग़ैर वैसे भी अजीब सा लगता है नाश्ते वगैरह करना या खाने खाना या घूमना फिरना चले कोई बात नहीं तो अभी मैं लेट चुकी थी एम साहब के साथ तो आ गया है तो बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता जो है ना शुरू करते हैं और बाहर का जो व्यू है वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि बाहर सूरज निकल चुका है दिन निकल चुका है ये देखिए दिन भी निकल चुका है और काफ़ी टाइम हो गया है स्कूल से आते आते दिल साहब को लेकिन अलहमदिल्ला नाश्ता मिल गया वरना नाश्ता जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है रश भी नहीं था, था।, था। चलिए जी अब मैं शुरू करने लगी हूँ चाय हमने नहीं बनाई है नाश्ते के साथ वो इस वजह से कि नींद नहीं आएगी क्योंकि हम दोबारा सो जाएंगे तब मैं खिला रही हूँ खाना और जी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से बच्चे आकर सो गए हैं रूम में और मोहम्मद साहब को अभी करा रही हूँ मैं नाश्ता और दही कल मैंने बनाई थी भिंडी और चिकन तो उसका जो है ना शोरबा थोड़ा सा दही के साथ मिक्स करके मोहम्मद साहब को खिला रही हूँ और अहमद साहब उधर लेते हैं अम्मा अम्मा बोल रहे हैं और जैनब जो है अभी उठी हैं जैनब की तबीयत जो है ना बेहतर है कल से अल्हम्दुलिल्लाह और जी इधर आके बात करो ना क्या बोल रही हो ठीक हो गई हो।, हो रही थी खुशक वाली खांसी हो रही थी जो इस इस वजह से जो है ना इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहा था तो दवाएं इतनी अच्छी थीं कि माशाल्लाह रात ही इसको एक ही डोज में इतना सुकून मिला सुकून से सोई है और रात में मैंने इसके जो है ना नेक की अच्छे से मालिश की थी अच्छे से मसाज करके मालिश करके इसके गले की नेक की इसके शोल्डर की जो है ना मसाज वग़ैरह आ, करके इसके गले को पूरा लपेट के आ, विक्स अच्छी खासी लगा के मैंने इसको सुलाया था उससे भी काफ़ी इसको सुकून मिला कहती है मामा बहुत सुकून मिला और नींद बहुत अच्छी आ, आई आ, इसके जो है ना गले में सारी मैंने विक्स लगा दी थी और पूरा कवर करके सुलाया था हवा नेक को नहीं लगने दी और अभी उठी अलहमदिल्ला बेहतर है दे रही हूँ बेटा दे रही हूँ और अदिल साहब आप लोगों ने देखा होगा पीछे अदिल साहब गुजरते हुए जा रहे थे अदिल साहब पीछे जो है ना वाश कर रहे हैं जो ओपन एरिया है उसको क्लीन कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है ना क्योंकि उसको हम जो है ना हफ्ते में एक बार ही वाश करते हैं अदिल साहब को अभी लग रहा था गंदा तो अदिल साहब ने कहा कि अभी मैं ख़ुद ही वाश कर लेता हूँ मैं नहीं बुलाता उनको उसको ना बंदे को तो बस अदील साहब खुद ही वाश कर रहे हैं और ताकि बच्चे आराम से खेल सकें बाहर जैनब का भी नाश्ता रेडी है और जैनब जी खाएंगी एग बॉईल वाला और चाय ठीक है फिर उसके बाद जो है ना ही साहब ने और मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ था तो अभी हम भी लंच में जो है ना ले रहे हैं बॉयल एग और चाय मैंने कहा जैनब के लिए उबाल रही हूँ तो हम भी यही खा लेते हैं अच्छा जी आया इनाया उठ चुकी हैं और सलाम और इनको दे दिया है मैंने खाना ताकि ये खाना खा लें फिर उसके बाद इन्होंने लेनी है कुरान की क्लास उसके बाद ट्यूशन चले जाना है जब ये चले जाएंगे तो फिर हम भी आराम से बैठ के खाना खा लेंगे और ये जैनब खा रही है वाइट राइस उसके साथ भिंडी वाला शोरबे वाला सालन डाल के वाइट राइस पे खा रही है और मोहम्मद साहब सो गए मगरब से पहले आंख इनकी लग जाती है थोड़ी एक घंटा ये सो लेते हैं तो वो चले फ्रेश भी हो जाते हैं क्योंकि ये उठ के बैठ जाते हैं हमारे साथ ही ग्यारह बजे तो इनकी नींद पूरी नहीं होती है तो इस टाइम ये मगरब से पहले थोड़ा सो जाते हैं मगरब तक उठा देती हूँ मैं इनको अहमद और ये अहमद मेरे साथ बैठे हुए हैं अहमद छोने छोने मम्मा का बेटा मम्मा के साथ लेता हुआ है, मम्मा के साथ बैठा हुआ है, हम्म छोना बेटा है मेरा मम्मा का प्यारा बेटा है, है? हाँ। अच्छी। मेरा प्यारा बेटा है, है मम्मा का छोना मम्मा का प्यारा हाँ ये बहुत बातूनी है बहुत सारी बातें करते हैं हाँ इनकी बातें सुनने के लिए इनकी बातें देखने के लिए ना इनकी जो बहनों का चैनल है आप लोग वहीं जाएं आप लोगों को जो है ना अहमद की वहीं वीडियो बहुत सारी मिलेंगी इनकी बातों की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ की तो वहाँ मैं इनकी जो है ना वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आप लोग ज़रूर जाएं आशा कि चैनल पे वहाँ जाके एंजॉय करें अहमद साहब की बातों को जो है चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग जो है ना ज़रूर जाएं सर्च करके और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूँगी चैनल का तो ये अहमद साहब की जो है ना बातें आप लोग को वहीं मिलेंगी अच्छी अच्छी सारी गाड़ियाँ समेटो मेरा बच्चा सब सब समेटो वेरी गुड ऐसे और आप यहाँ कहा है पापा गए हैं ट्यूशन से लेने आपियों को और ये जो है ना यहाँ दोनों बोर हो रहे हैं ये यहाँ पे ट्यूशन से आ गए हैं बच्चे और पापा जी।, पापा जी और यहाँ पे ना नो नो इस तरह नहीं करो यस पापा, yes, पापा। नो नॉट अलाउड उनको स्केटिंग में मैं मना कर रहा हूँ जैनब साहब को जैनब समझ रही है कि स्केटिंग जो है मैं इसलिए मना नहीं कर रहा मैं क्यों पापा मना कर रहे हैं बिकॉज आपकी तबीयत सही नहीं अभी, okay? है अभी ओके और गिरती रहती हैं बार बार और ये आ गए हैं। स्कूटी लेकर अपनी उधर चलाओगे स्ट्रेट ये मैं बना रही हूँ बनाने का मिल्क शेक इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है और बनाना ऐड कर दिया है मैंने इसमें अब मैं इसमें डालूंगी आइस अच्छा जी ये मैंने कस्टर्ड बनाया था मैंगो फ्लेवर का और ये मैं डाल रही हूँ मिल्क शेक के अंदर मैंगो फ्लेवर का जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था वो हो गया था ठंडा या तो अब मैं इसके अंदर डाल के शेक कर रही हूँ मज़ीद मैंने इसमें दूध ऐड किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का पाउडर ये हमारा मज़ेदार सा मिल्क शेक हो गया रेडी और बच्चे करेंगे अब इन्जॉय

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Very good. चलें जी आप सो जाएं क्योंकि सुबह जाना है स्कूल चले जी ओके जी अल्लाह हाफिज़